हेलो गाइस, तो बात ऐसी है गाइस। हेलो गाइस, तो अभी अभी मैं सो के उठा हूँ और अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन लग रही है। दिन में मैं अपलोड करने के बाद पब्लिश करने का वीडियो सो गया था, तो अभी मैं उठा हूँ तो मैंने नोटिस देखा कि सौरव जोशी ने वीडियो अपलोड करा था अपने चैनल पे। उठते ही मेरे भाई ने भी मुझे ये बताया कि सौरव जोशी ने अपलोड किया है चैनल पे वीडियो, तो वो ही देखने के लिए मैं अभी आपके साथ में यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं उनका वीडियो, उन्होंने क्या अपलोड करा है। तो एक बार वैसे तो टाइटल से समझ में आ जाता है कि क्या अपलोड किया हो। अभी मैं तो काफी बेटर फील कर हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे। मेरे अभी को तो मैं तो काफी बेटर फील कर रहा हूँ 2 दिन पहले से। अगर आप कंपेयर करोगे तो अभी काफी अच्छा लग रहा है मुझे भी, और पूरी फैमिली को भी थोड़ा थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी अच्छी विशेष के लिए। तो सोचा कि एक अपडेट दे देता हूँ आपको मैं। और अभी टाइम हो रहा है अभी देखने से तो थोड़ा ठीक लग रहे हैं। दिन के 2:46। तो सबने अभी लंच कर लिया है और सबको मैंने दवाई भी दे दी है। अभी सब रेस्ट कर रहे हैं। एक एक करके सबके हाल दिखा दूंगा, सब कैसे हैं नीचे आके, और बेटर ही फील कर रहे हैं। तो मैं सबके सामने ना थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल भी किसी को टेंशन ना हो। सबसे मेन तो यही है ना कि टेंशन नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पैनिक में नहीं आना है। तो अच्छे से मैं सब सबको दवाई दे रहा हूँ, सबको खाना पीना, बिकॉज सारे ही पॉजिटिव हैं तो किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। तो हम थोड़ा चारों सा आगे फैमिली बांट रहे निकाल हैं कि के मम्मी, मैं, देखते अनिल भी हैं कर कि रहा है, और सब पीयूष लोग वगैरह। कैसे हैं। हाँ, इनको उनकी बुखार मम्मी, इनकी मम्मी थोड़ा नहीं है ना सा आगे निकाल। ना सबके लिए कि सब जल्दी से ठीक हो जाए। तो सबसे पहले तो मम्मी जी हैं यहाँ पे। मम्मी जी कैसा फील कर रहे हो? ठीक फील कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगी ना? आराम है ना? मतलब कोई सांस लेने में दिक्कत या फिर कोई वैसी नहीं है ना? कोई नहीं, आप रेस्ट करो। और साहिल और पीयूष इस वाले रूम में हैं, ठीक है? इन दोनों को ज़्यादा सिम्टम भी नहीं थे और इन दोनों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। ना ही इनको बुखार है, ना ही सिर दर्द है, कुछ भी नहीं है। पीयूष पीयूष को तो बिल्कुल भी आज पीयूष थोड़ा शांत लग रहा है, बिल्कुल ऐसा वो कहते हैं ना, चुप 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 आज दिख रहा है। वैसे चुप चुप रहता नहीं है वीडियो के अंदर। और मुझे इसकी मम्मी की तबीयत अभी भी पहले जैसे लग रही है, थोड़ी डाउन लग रही है, और वो उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम लग रही है भी नहीं मुझे। है। फिर भी मतलब मेडिसिन, फिर मेडिसिन सबकी चल रही है क्योंकि सबको पॉजिटिव आ रखा है। इनकी इम्यूनिटी थोड़ी सही है इसीलिए, बट फिर भी हम सारे अलग अलग क्वारंटीन रखे हैं। अब जितने रूम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही ना? पक्का ना? बता देना अगर कुछ भी हो तो। बाकी पापा जी इस वाले रूम में हैं, कैसे पापा जी? ठीक मुझको ओरियो नहीं दिख रहा है इसके अंदर। ओरियो कहाँ है? हो? अब कोई प्रॉब्लम थोड़ी बोलने में और सांस लेने में पापा जी को प्रॉब्लम हो रही है, जो कि पहले से तो बहुत ठीक है। मतलब अगर देखो, आपको भी एक इंफॉर्मेशन बात बता दूं, अगर आपको भी बोलने या सांस लेने में प्रॉब्लम हो, और अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर की नहीं है या फिर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है, तो आपको उल्टी लेट जाना चाहिए, और तकिया एक तो यहाँ लगा देना चाहिए, पेट लगा लेना चाहिए तकिया, और उल्टी लेट के घेरी घेरी सांस लेनी चाहिए, ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल वापस मेंटेन हो जाता है और आप पहले से स्वस्थ महसूस करते हैं। और अगर आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक बार आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल इमेज पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि उल्टे लेट के सांस कैसे लेते हैं। आपको यूट्यूब पे वैसे इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। पहले तो मतलब ऑक्सीजन भी काफ़ी डाउन चली गई थी, तो अभी हमने इमरजेंसी के लिए इतना बड़ा सिलेंडर भी रखा हुआ है, काफ़ी चल जाएगा। तो इसको यूज़ ये नहीं कर रहे अच्छा हम, सिर्फ किया, ये इमरजेंसी अच्छा में यूज़ किया, करेंगे। ये बहुत ही अच्छा किया और इन्होंने। यू भी यहीं पे, ये सोच रहा था नहीं वो क्या ओरियो हो रहा है ओरियो यार, क्या मालूम आगे, ओरियो क्या हुआ। ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर भी हैं, कैंस भी हैं, ये वाले कैंस भी हैं ऑक्सीजन के लिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो पापा जी बता दे रहे हैं। बाकी 2 दिन से तो सही। ये एक आपको बात बता दूं, ये इमरजेंसी के हैं, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे। ये वैसे तो इसकी एमआरपी होती है 700 रुपीज तक, और इतने तक में मिल जाएंगे। इसके अंदर 1 लीटर ऑक्सीजन मिलती है। वैसे एक आम इंसान को पूरे दिन सर्वाइव करने के लिए 7 से 8 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर नाइट में किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो ऐसे 2-3 कैन हमेशा साथ में रखें, ताकि आपकी इमरजेंसी, अगर आपको इमरजेंसी पड़ती है, तो आपकी नाइट आराम से निकल सके। लग रहा है ना आपको? एक बार देखना ऑक्सीजन कितनी है। ऑक्सीजन में बाबा जी की हर आधे घंटे में चेक कर रहा हूँ, जो कि बहुत जरूरी है। तो अभी तो देखो गाइस काफी सही हो गई, 93 हो गई है। ये सही है। 71 पे चली गई थी, तो अभी मतलब कंट्रोल में है। 71, 71 लेवल तो बहुत ही खतरनाक होता गाइस। गाइस डॉक्टर कंसीडर करता है, अगर 80 से अगर ऑक्सीजन 80% से ऑक्सीजन नीचे चल जाती है, तो आपको ऑक्सीजन मास्क, मतलब ऑक्सीजन मास्क लगाना जरूरी हो जाता है 80 से नीचे आती है। और इनके पापा जी की 70 चली गई थी शायद, या तो इनको किसी ने बताया नहीं, या फिर इन्होंने अभी तक डॉक्टर को बताया नहीं, क्योंकि 70% पर ऑक्सीजन पर तो आपके फेस पर हमें एनी टाइम मास्क रहना चाहिए। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन मानी जाती है, मतलब क्रिटिकल तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा
80 से नीचे ऑक्सीजन लेवल नहीं जाना चाहिए, 80 होने पर ही मास्क लग जाता है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन 70 बता रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक बात क्योंकि मैं है। हर चेक कर रहा हूँ हर आधे घंटे में। ठीक है, और सैनिटाइजर भी सबके अलग अलग रखे हुए हैं अच्छे से, पूरा रूम हम अच्छे सैनिटाइज कर रहे हैं सुबह से उठते ही और शाम को भी टाइम टाइम से। और जो ये बड़ा सिलेंडर है ये हमको हमारे एक सब्सक्राइबर्स ने दिया है जिसका नाम है रोहित, तो थैंक यू रोहित भाई इतनी हेल्प करने के लिए। बाकी सबकी दवाइयाँ हैं लेते हैं यूज़ करके, और रात को मैं तो यहीं पे सो जाता हूँ, मतलब मुझे रेस्ट करना होता है तो मैं यहाँ पे रेस्ट करता हूँ, मम्मी जी यहाँ पे, बाकी साहिल और पीयूष तो यहाँ पे है, पापा जी उधर हैं। बाकी वैसे अभी कोई खतरे की बात नहीं है, ये डॉक्टर से हमारी मेडिसिन चल रही है जो कि दिल्ली के हैं, ऑनलाइन ही, क्योंकि अभी ऐसे में अब कोई आएगा तो नहीं, अलग अलग करके और सैनिटाइज करके। तो बस यही आपको अपडेट दे रही थी, फैमिली में भी अच्छा फील कर रहे हैं, बस तो नहीं करना हमारे लिए, और आप लोगों से भी कहूँगा गाइस घर में रहो सेफ रहो, बस चाहे कितना इम्पोर्टेंट काम हो घर से बाहर मत निकलो, अगर एक को भी हो गया ना पूरी फैमिली को ले बैठेगा हमारी तरह, और अंदर से ऐसी फीलिंग आती है ना कि सांस ही निकले जाता है यार, तो सोच सकते हो अगर सांस ही निकले जाएगा तो कैसी फीलिंग आएगी। तो और सबके साथ हमारे साथ में ऐसा हुआ है, तो देख सकते हो कितना डेंजरस है, तो बस यही कहूंगा कल तो बाहर मत निकलना। तो भाई जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, इन्होंने भी बोला कि कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो मैं भी आपको इतने दिन से यही बता रहा हूँ कि अगर जरूरी काम हो तो ही निकलना, नहीं तो मत निकलना। सौरभ जोशी को ठीक देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं प्रे करूंगा कि उनकी पूरी फैमिली ठीक हो जाए जल्द से जल्द, और अब वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वीडियो बना के डाले। उनको ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि 70 लेवल मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि डॉक्टर खुद बोलते हैं 80 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो एक बार या तो उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इस बारे में। बस आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है, तो और ज्यादा आज इसके ऊपर चर्चा नहीं कर पाऊंगा, 2-3 दिन से रात को लेट सो रहा था, तो उस वजह से भी थोड़ा ऐसा सर दर्द हो रहा है, तो बस आज रात को लेट जगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपडेट दे दी है, तो आज मुझे अपडेट ढूंढने के चक्कर में लेट नाइट तक जगना नहीं पड़ेगा। तो बाय बाय गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। बाय बाय।